अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इन अदर वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ दोस्तों। आपके लिए आज कमाल की ट्रिक लेके आया। आपने थंबनेल तो चेक कर लिया होगा। मैं आपको आज बताऊँगा कि आपने किस तरह अपनी मेमोरी को 100 GB तक बढ़ा लेना है, क्योंकि बाज़ात जो है मेरे भाई जो गरीब होते हैं उनके पास जो है मोबाइल छोटे होते हैं, उनके पास मेमोरी का मसला बहुत हो जाता है, क्योंकि उसमें 30 GB या 16 GB या 3 GB जो है उसमें आती रहती है, तो बहुत ही कम होती है। उसकी वजह से मोबाइल जो है वो भी हैंग होने लगता है। तो काफ़ी कमाल की ट्रिक है जिसमें आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह अपने मोबाइल की जो है GB 100 GB तक आपने बढ़ाना है। काफ़ी कमाल की ट्रिक ने आपने वीडियो को पूरा देखते लेना है, क्योंकि आज जो है वो कमाल का वीडियो होने वाला। काफ़ी कमाल की ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। आपने वीडियो कंप्लीट देखा है, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, नए मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूं, और साथ में उनको दावत हूं क्योंकि मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें, और साथ में घंटी भी का निशान भी नज़र आ रहा है तो उसको भी ज़रा दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सॉरी, माफ़ करना। तो वीडियो को भी लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस जो है वो फ़ायदा इस ट्रिक से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जो है वो जाना होगा। उसके बाद आपने सर्च कर देना है डीगो। तो अब मैं ये सर्च कर देता हूँ, तो आपने ये जो है वो सर्च कर देना है। उसके बाद आपने ये वाला एप्स ढूंढ लेना है अपने प्ले स्टोर में। ये वाला एप्स आपने ढूंढ कर और इंस्टॉल का ऑप्शन आपको यहाँ शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आपने इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ओपन कर देना है। उसके बाद आगे मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास अगर अकाउंट बना हुआ है जीमेल का, तो यहाँ पे आपने जीमेल अपनी डायल कर देनी है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे पासवर्ड भी डायल कर देना है। तो मैं यहाँ पे जीमेल जो है वो लिख लेता हूँ। सॉरी, पासवर्ड में शो नहीं कर सकता, इसलिए उसके बाद मैं यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, तो ये मेरा अकाउंट जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ से आपने इसको स्किप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको अलाउ करना है। उसके बाद आपने यहाँ से भी स्किप कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आप जो है वो आप चाहते हैं कि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो ऑटोमेटिक जो है वो आप इस ऐप के में जो है वो शो सेव हो जाएं, तो यहाँ से आपने इसको इनेबल करना है। और अगर आप चाहते हैं वीडियोज़ जो है वो अगर आप रिकॉर्डिंग करें या कहीं भी जो है वो वीडियो डाउनलोड करें, तो इसमें आपके ऑटोमेटिक सेव हो जाए, तो ये आप यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी यहाँ से सेव कर सकते हैं, और म्यूज़िक आइडियो वो भी यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है मेन्यू में जाएंगे, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग भी आ जाएगी। सेटिंग में चलते हैं कि सेटिंग में क्या है। यहाँ पे आपने इसकी सेटिंग भी कर ली है, काफ़ी आसान सेटिंग है। यहाँ से आपने सेटिंग को भी जिस तरह आप रखना चाहें, तो ये सेटिंग आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपने गैलरी के ऑप्शन को ओपन करना है। उसके बाद आपकी जो गैलरी, यहाँ से आपने जो यहाँ से आपने फ़ोटोज़, कोई भी फ़ोटोज़ जो हैं या वीडियोज़ यहाँ से आपने अंदर जो है अपलोड करने हैं। उसके बाद आपके जो है वहाँ सेव हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ से जो है ऑप्टिमाइज़ इसको आपने छोड़ देना है। मोमेंट्स जो है यहाँ से आपने कुछ भी जो है अपलोड कर देना है। यहाँ गैलरी में आप यहाँ प्लस का निशान है, तो यहाँ से आपने यहाँ से कोई भी फाइल, यहाँ से जो है आपने वीडियोज़ कोई भी अपना सेव करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो मैं किसी भी तस्वीर को आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। ये देख, मैंने चूज़ कर ली, दो पिक्चर को चूज़ कर लिया और यहाँ से मैंने अपलोड कर दिया, तो ये मेरी सेव हो जाएगी यहाँ पर। तो ये देखें, अपलोड हो रही है, ये मेरे पास ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी। तो कमाल का ऐप से ये, यहाँ से आप जितना चाहें जो है वो मेमोरी यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। अनलिमिटेड 100 GB तक आप यहाँ से जो है स्टोरेज डेटा कर सकते हैं। और ये देखें, मेरे पास जो है सेव हो गई, यानी आप पूरी मेमोरी कार्ड यहाँ पे जो है डायल कर सकते हैं, यानी यहाँ स्टोर कर सकते हैं पूरा फ़ोन जो है स्टोर, जो मर्ज़ी डाउनलोड नहीं करें यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। तो काफ़ी कमाल का ऐप से ये काफ़ी जो है कारा था। और आप जो है मेरे दोस्तों से सवाल करेंगे, यार अगर ये हमारे मोबाइल से डिलीट हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारा डेटा तो सारा डिलीट हो जाएगा।
तो टेंशन लेने की भाई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ भी ये ऐप से अगर डिलीट हो गया तो फिर से आप वही अकाउंट लगाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है अपने इस जो ऐप के ज़रिए सॉरी इस ऐप में अंदर आ जाएगी। यानी अगर हमारी मेमोरी जल्द ख़राब हो जाती है तो वो डेटा वापस नहीं आता, मगर इस ऐप के ज़रिए जो है आपका डेटा किसी भी टाइम वापस आएगा जाएगा। या दुनिया के किसी भी कोने में अगर ये ऐप्स आपने डाउनलोड कर दिया ना अपने मोबाइल में और उसके बाद आपने ये जीमेल लगा ली, तो आपका डेटा वहाँ पे जो है आ जाएगा जिस डेटा आपने जो है अपलोड किया होगा। तो काफ़ी कमाल का ऐप्स है, मुझे बहुत ऐप्स जो है अच्छा लगा, काफ़ी कमाल का। इस पर आप अनलिमिटेड स्टोरेज जो है वो लगा सकते हैं, काफ़ी कमाल का। तो ये जो है ऐप्स आपने अपने मोबाइल पर लाजमी अपलोड कर देना है, उसके बाद आप जितने चाहे जो है स्टोरेज आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, काफ़ी कमाल का ऐप से। तो यार ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यार ज़रूर बताएं कि आपको जो है ये ऐप्स कैसा लगा, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ सब्सक्राइब नीचे आपको लाल बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपने फ्री है सब्सक्राइब, तो फ्री सब्सक्राइब करते लाजमी जाएँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।